हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर बालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आर की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयम्बूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पेतन डायरेक्टर आर बालकिजी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हां दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छे खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे, सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह है फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्मी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पतन डायरेक्टर आर बालकिजी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हां दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जी दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह है फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो नौ फरवरी दो को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्ररंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख शीक सिखाने वाली है तो यह मूवी को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन दे आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों तो आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ़ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों तो आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्ररंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयम्बूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उदमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपककिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ़ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविता बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नजर आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयम्बूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेड मैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पैडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा आप पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदारमर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविता बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नजर आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आर की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है इससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है जिससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेड मैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेड मैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पैडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी की तो इस मूवी को आप ओ टी टी नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदारमर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे सोनम कपूर अविता बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयम के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उदमी अरुणाचल गुम खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती के है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेड मूवी के बारे में तो नौ फरवरी दो को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविता बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नजर आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उदमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो नौ फरवरी दो को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आर की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयम्बूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अति नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेड मैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं पैडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इन्जॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे, सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर आर बालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर बालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छे खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेड मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेड मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छे खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह है फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेड मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस, इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नजर आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह है फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर, करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो नौ फरवरी दो को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी के टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्ररंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयम्बूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उदमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर, करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ़ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे, सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहन निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम, तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फ़ैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो नौ फरवरी दो को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है बैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहन निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम, तमिलनाडु के कोयम्बूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो नौ फरवरी दो को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वाल की जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे और जी फाइव पर भी इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नजर आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पैडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहन निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गोखुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फ़ैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेड मैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेड मैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो नौ फरवरी दो को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने डायरेक्टर आर जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की तो इस मूवी को दस में से सेवन की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है यहाँ दोस्तों आपने सही सुना इसको, इस मूवी को दस में से सात की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदारमर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गोखुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म पेडमैन मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने अभिनेता डायरेक्टर आर बालकी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों तो आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे सोनम कपूर अविताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उदमी अरुणाचल गुम खुद के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर करते देख कर वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफ़ी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नेपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेड मैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेड मैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर बालकिजी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छी खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका ऐप्टे सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आर की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में है साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल है यह फिल्म तम तमिलनाडु के कोयम्बूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्यमी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फ़ैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय हेलो दोस्तों अगर आप पेडमैन मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो यह मूवी किस तरह की मूवी है कहां पर देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिएगा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर देखिएगा आइए बात करते हैं पेडमैन मूवी के बारे में तो 9 फरवरी 2018 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म पेड मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है हमारे जाने पहचाने डायरेक्टर आर वालकी जी के द्वारा जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को हमारे जाने पेतन डायरेक्टर आर बालकिजी के द्वारा डायरेक्ट किया गया है यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इस मूवी में आपको कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है जी हां दोस्तों आपने सही सुना इसको इस मूवी को 10 में से 7.9 की धमाकेदार रेटिंग मिली हुई है बात करें रोटो टमाटोज की तरफ से तो इस मूवी को रोटो टमाटोज की तरफ से 74 प्रतिशत फ्रेश बताया गया है बात करें गूगल यूजर्स की तो इस मूवी को अट्ठासी प्रतिशत गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने दो करोड़ की धमाकेदार कमाई करी है और इस की कहानी भी आपको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है और एक चीज एक जीवन में सीख सिखाने वाली है तो यह मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की टाइम लेंथ दो घंटा बीस मिनट के तकरीबन आपको देखने को मिलने वाली है अच्छे खासे टाइम लेंथ के साथ में यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है बात करें ओ टी प्लेटफॉर्म की तो इस मूवी को आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और जी पर भी इस मूवी का इंजॉय कर सकते हैं जहाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स और जी फाइव पर इस मूवी का एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली है बात करें इस मूवी की कास्टिंग के बारे में तो इस मूवी में कई बड़े कलाकार अहम किरदार पर आपको नज़र आने वाले हैं जिनमें प्रमुख है अक्षय कुमार राधिका एप्टे, सोनम कपूर अमिताभ बच्चन रीवा बब्बर शिवानी खारा सुनील सिन्हा और चित्रंजन गिरी कई बड़े कलाकार अहम किरदार में आपको नज़र आने वाले हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अक्षय कुमार की ये बेस्ट मूवियों में से पैड मोन मूवी मानी जाती है और इस मूवी में कॉमेडी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है पेडमैन मूवी 2018 की जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे आरवाल की ने लिखा और निर्देशित किया है भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सह निर्माण में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार सोनम कपूर राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में हैं साथ ही कई बड़े कलाकार भी इस मूवी में शामिल हैं यह है फिल्म तम तमिलनाडु के कोयमटूर के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता में उद्मी अरुणाचल गुम के जीवन पर आधारित है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाए हैं और उनकी यात्रा को टिंकल खन्ना ने अपनी काल्पनिक कहानी में भी वर्णित किया गया है बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कहानी लक्ष्मीकांत चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है लक्ष्मी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी और आराम के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान घर से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी को इस विषय के बारे में जानकारी न होने के कारण कुछ भी समझ नहीं आता है गायत्री को उसके मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते देख वह चिंतित हो जाता है और गायत्री उसे कहती है कि उसे इस स्त्री संबंधी विशेष रोग में अतिचेप नहीं करना चाहिए और इससे विचलित हुए बिना लक्ष्मी अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदता है जो काफी महंगे हैं गायत्री इसे वापस करने के लिए कहती है क्योंकि वह इतने महंगे नैपकिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है और दूध के खर्च में कटौती करना निराश होकर लक्ष्मी काम पर जाता है जहां एक कर्मचारी घायल हो जाता है वह तुरंत चोट पर चोट पर पेड़ लगाता है जबकि दूसरे उसे अशुद्ध कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मी की तत्व सोच की प्रशंसा करता है और कहता है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यह सबसे साफ़ सुथरा विकल्प है उत्साह उत्साहित होकर लक्ष्मी कुछ रुई कपड़ा और गोंद खरीदता है और एक अस्थायी पेड़ बनाता है जो उसे लगता है कि महंगे पेड़ की जगह बेहतर विकल्प है गायत्री इसका इस्तेमाल करती है लेकिन पेड़ अपने काम में विफल हो जाता है और वह लक्ष्मी से कहती है कि वह फिर से महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप न करे लक्ष्मी फिर से पेड़ बनाने की कोशिश करता है और इसे एक महिला मेडिकल छात्रा को देता है जो उसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन उसके दोस्त उस पर रोक लगा देते हैं उसकी परेशानी को और बढ़ाते हुए छात्रा उसकी मुलाकात उसकी पत्नी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका किसी से संबंध है लक्ष्मी अपनी बहन को पेड़ देने की कोशिश करता है जिससे वह अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसके बाद वह बकरी के खून से भरा गुब्बारा लगाकर खुद पर भी इसको आजमाता है इससे उसके खून से उसकी पतलून के सामने लग जाती है इससे उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इस कृत्य के कारण पूरे गांव द्वारा ढीले आचरण वाला व्यक्ति करार कर दिया जाता है गायत्री के भाई उसे ले जाते हैं और लक्ष्मी मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं से लड़ने का संकल्प लेते हुए वहाँ जाने का फैसला करता है तो इस मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय